लेनिन को न कफन मिला न दफन हुए। 99 सालों से लेनिन दफनाए क्यों नहीं गए? आखिर क्या है इससे जुड़ा बड़ा रहस्य? एक महान क्रांतिकारी जिसके विचारों ने दुनिया भर में बहुत से बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया, जिनकी क्रांति की हुंकार से सोवियत संघ जाग उठा और एक नए अस्तित्व के साथ दुनिया के सामने आया। रूसी क्रांति के वही जनक जिनकी मृत्यु 99 साल पहले हो चुकी है, वे आज भी हम सबके बीच सशरीर यानी अपने शरीर के साथ मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो शख्स आज से 99 साल पहले ही मर चुका है वो अपने शरीर के साथ हम सबके बीच कैसे हो सकता है? लेकिन सत्य यही है, व्लादिमीर लेनिन आज भी हमारे बीच हैं, जीवंत अवस्था में बेशक ना सही, लेकिन उनका शरीर आज भी पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है। रूस की राजधानी मॉस्को का रेड स्क्वायर वो जगह है जहां इस महान क्रांतिकारी को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। इसी जगह पर एक संग्रहालय में व्लादिमीर लेनिन का पार्थिव शरीर पूरी तरह से संभाल कर रखा गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर लेनिन की डेड बॉडी को 99 साल बाद भी संभाल कर क्यों रखा गया है? उन्हें अपनी मौत के 99 साल बाद भी कफन और दफन क्यों नसीब नहीं हो पाया? इसमें एक चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि बेशक लेनिन की मृत्यु को 99 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी लेनिन के पार्थिव शरीर को देखने वालों को ये तरोताजा नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेनिन सो रहे हैं और किसी भी पल अपनी आंखें खोल देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल इनके शव को 99 साल बाद भी बेहद तरोताजा दिखने के पीछे वजह यह है कि इनके शव को एक खास तरह के केमिकल से नहलाया जाता है, जिससे ये 1924 में हुई अपनी मृत्यु के इतने सालों बाद भी तरोताजा ही दिखते हैं। लेनिन को रूस के बोल्शेविक में हुई लड़ाई के बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है। उनके शव को साम्यवाद का प्रतीक माना जाता है। शव को दफन न करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि साम्यवाद के प्रतीक के तौर पर ये आज भी लोगों के बीच जीवंत बने रहें और लोग इनके दर्शन कर इनसे प्रेरणा लेते रहें। इनके शव को रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर पर स्थित एक म्यूजियम में रखा गया है। ये वही जगह है जहां पर लेनिन ने रूस की क्रांति के समय अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने लाखों लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला फूंक दी थी। इनके शव को इस तरह से प्रिजर्व रखने के लिए हर साल बड़ी रकम खर्च होती है। इन्हें रोजाना मॉइस्चराइजिंग लगाया जाता है, साथ ही इन्हें समय समय पर केमिकल के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जबकि एक तय समय अवधि के बाद इनके शव को केमिकल में स्नान कराया जाता है। इसी वजह से इनके शव पर किसी तरह की झुर्रियां आदि नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग इसे क्रूरता कहते हैं और शव को इस तरह से रखने को उस दिवंगत व्यक्ति के अपमान के तौर पर देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो लेनिन के शव को ऐसे ही प्रिजर्व कर रखने के पक्ष में हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो उन्हें दफन किए जाने के पक्ष में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।